हमीरपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों में मारपीट की घटनाओं के बाद कॉलेज प्रशासन के बैग न लाने के निर्णय पर छात्र और कॉलेज प्रशासन में मामला गरमाया हुआ है, जहां छात्र बैग न लाने के फैसले से नाराज हैं और इसे तर्क संगत करार नहीं दे रहे हैं, तो वहीं कॉलेज प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर बैग न लाने को सही ठहरा रहा है। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल की माने तो बैग लाना या न लाने के मुद्दे पर जल्द ही बैठक कर आखिरी फैसला लिया जाएगा। कॉलेज छात्रा अंकिता ने बताया कि बैग न लाने की वजह से टिफिन किताबें हाथ में लाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चाहिए कि सही तरीके से बैग चेक करके अंदर भेजें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जो कॉलेज प्रशासन ने बैग बंद किए, उससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लड़कियों को आ रही है ज़्यादातर दिक्कत, क्योंकि लड़कियां बैग में जो वो कुछ पर्सनल सामान भी होता है लड़कियों के बैग में, जो वो ऐसे हाथ में पकड़ के नहीं ला सकते अंदर, जैसे टिफिन वगैरह हैं, बुक्स, प्रैक्टिकल्स बुक्स, कई बच्चों के प्रैक्टिकल लगे हुए हैं तो उनकी बुक्स वगैरह वो हाथ में कैसे लेके आएंगे। सारा सामान दूर दूर से बच्चे आते हैं, वो टिफिन वगैरह लेके आते हैं, तो टिफिन हर एक चीज़ ज़रूरी ही नहीं है कि हाथ में लेके आ जा सके सभी। तो लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कई लड़के जो हैं वो टिफिन लेके आते हैं, प्रैक्टिकल्स, नोटबुक्स वगैरह सब कुछ, तो बुक्स वो हर एक चीज़ हाथ में कैसे पकड़ के लाएंगे, तो उसकी वजह से सभी बच्चों को दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी है हमारे कॉलेज में, उनको बोलो कि वो ढंग से सिक्योरिटी का काम करे, अपना पूरा ढंग से काम करे, ढंग से सिक्योरिटी दे बच्चों को, बैग्स वगैरह चेकिंग कर दे, लड़कों की लड़कियों की अलग से करवा दें चेकिंग। कॉलेज छात्र ने बताया कि बैग पर प्रतिबंध लगाना गलत है और इस कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बैग में खाने पीने का सामान और किताबें लाते हैं, जो कि अब नहीं ला पा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बैग न लाने के फैसले पर कॉलेज दोबारा विचार करे। के अंदर बैग बंद करना, ये तो सभी जो जितने भी छात्र संगठन है, चाहे APSFI NSU, ये हम सभी के लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि ये तो बिल्कुल छात्रों के ऊपर, हमारी जो कॉलेज, हम जो राजनीति कर रहे हैं उसके लिए एक बेहद शर्मनाक काम है ये, क्योंकि हमारी वजह से आम छात्रों के जो है वो बैग बंद हो रहे हैं, जिस कारण उनको भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। कहीं स्पोर्ट्समैन, कहीं कॉलेज में पढ़ने वाले अच्छे छात्र स्पोर्ट्समैन, वो अपनी किट वगैरह जो अपने साथ खाने के लिए सामान, चने वगैरह, पानी की बॉटल लाते थे, वो कैसे लाएंगे। इसलिए तो ये एक तरह, लेकिन कॉलेज प्रशासन की भी इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन भी बच्चों की सुरक्षा चाहता है और ये कदम इस दिशा में उठाने के लिए काफी महत्वपूर्ण था, जरूरी था। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हम उम्मीद जताते हैं कि जल्द ये फैसला जो है वो वापस लिया जाएगा। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल ने बताया कि कॉलेज प्रशासन पर छात्र संगठनों के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वह पढ़ाई में कम लेकिन कॉलेज गेट पर ज्यादा सक्रिय रहते थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बैग न लाने के मुद्दे पर जल्द ही बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये जो संगठन इस तरह की बात करते हैं, पहले अपने छात्रों को देख लें कि कितने बार कॉलेज में आते हैं, पिछले कई सालों का उनका रिकॉर्ड है, क्लास में नहीं आते हैं और इनकी जो गतिविधियाँ बाहर गेट तक सीमित रहती हैं, तो ऐसा जो है कॉलेज प्रशासन बिल्कुल सहन नहीं करेगा। एक ऐसा माहौल बना देना कि जहाँ पढ़ाई ना हो सके और इस तरह की गलत खबरें फैलाना, मैंने बच्चों से भी आग्रह किया कि शांतिपूर्ण है सारा माहौल है, आप पढ़ाई किया करें, क्लास में जाया करें, ये जो गेट के पास माहौल है इससे ना डरें। और इसलिए हमने जो भी हथियारों की बात की, हमने बैग इसलिए बैन किए थे, पहले इसलिए बैन किए थे कि इसमें हथियार आ रहे हैं अंदर और शरीफ बच्चों को भी निशाना बनाया जा सकता है कि उनके बैग में डाल सकते हैं, हथियार अंदर भेजे जा सकते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि हम बच्चों की प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, लड़कियां हैं, अपनी चीज़ें लानी होती हैं, बैग में लानी होती हैं, या कई छात्र बीमार हैं, पानी भी लाना होता है, साइंस के बच्चे हैं, प्रैक्टिकल्स की लंबी लंबी इनकी प्रैक्टिकल बुक्स भी हैं, रजिस्टर हैं, तो आज मैं इनके साथ मीटिंग करूंगा, ये मुझे आश्वासन दें कि ऐसा नहीं होगा, इस प्रतिबंध को हटा भी लिया जा सकता है, ये सिर्फ सिक्योरिटी रीजन के लिए ही है।